नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला जी। शिव प्रताप शुक्ला जी इस समय केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। वैसे तो उनकी कई पहचान है, लेकिन शालीनता, सौम्यता और सहजता भी इनकी एक बड़ी पहचान है। उत्तर प्रदेश में 4 बार विधायक रहे और ये मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। अभी आपने देखा शिव प्रताप शुक्ला जी का संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। शुक्ला जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अवस्थी जी। शुक्ला जी, वैसे तो जो आपके व्यक्तिगत मिलने वाले हैं वो तो आपके बारे में जानते हैं, लेकिन देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि एक साधारण से परिवार का ये व्यक्ति छोटे से जिले में राजनीति करता है, प्रदेश की राजनीति करते करते आज राष्ट्रीय राजनीति में कैसे पहुँचा। वास्तव में राष्ट्रीय शब्द हमारे बचपन से लगा हुआ है। स्नातक तक मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक हूँ, तो राष्ट्रीय शब्द तो पहले से जुड़ गया था। ये तो राष्ट्रीय बाद में आया है। और हम अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा लिए, फिर जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा लिया, फिर रुद्रपुर खजनी से आकर के गोरखपुर में सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से इंटर किया और फिर विश्वविद्यालय का छात्र हो गया। विद्यार्थी परिषद की वर्किंग में रहा, तो छात्र नेता के रूप में विश्वविद्यालय में रहा, अध्यक्ष का इत्यादि का चुनाव भी लड़ा, फिर विद्यार्थी परिषद का ही संगठन मंत्री होकर के सबसे पहले कानपुर में गया। और आज भी जब मैं देखता हूँ तो कानपुर और गोरखपुर में मैं कोई अंतर नहीं कर पाता हूँ कि गोरखपुर के लोग अधिक मिलने आते हैं कि कानपुर के लोग अधिक मिलने आते हैं। वहाँ से इलाहाबाद फिर करते हुए बीच में मैंने अधिवक्ता के रूप में फिर प्रैक्टिस शुरू किया, फिर दल ने टिकट दिया और 89 में मैं पहली बार विधायक बना, 91 में सरकार बन गई और मैं बेसिक शिक्षा मंत्री हो गया। बचपन से ही क्या आपको राजनीति में जाने की इच्छा थी, या कहीं कोई ऐसा टर्न आया, ऐसा कोई मोड़ आया जिसमें आपको राजनीति में आने की इच्छा हुई? नहीं, देखिए वास्तविकता तो यह है कि मेरे घर के लोग तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बना। और बाद में विद्यार्थी परिषद, मतलब जब भी गोरखपुर आया तो पता नहीं कहाँ से वो राजनैतिक गुण कुछ आ गए या जो भी होगा, तो विद्यार्थी नेता के रूप में रहा और फिर बाद में संगठन का काम करते हुए आज यहाँ हूँ, तो कहीं कहीं से था तभी वो आया। लेकिन मेरा एक वो ज़रूर रहा, मैं आज भी इस बात को मान करके रमेश जी चलता हूँ, MLA बना जा सकता है, MP बना जा सकता है, मिनिस्टर बना जा सकता है, ये सब बन सकते हैं, लेकिन आज लोगों के बीच में अपनी पहचान अगर नेता के रूप में बनाई जाए
तो मैं समझता हूँ कि वो हमेशा रहता है। शुक्ला जी, राजनीति में भी देखा गया है, आप लोग जिस कार्यकाल में आपने राजनीति की है, शुरुआत की है, जब आप मंत्री रहे, तो नेताओं में वैचारिक तो मतभेद होते थे लेकिन व्यक्तिगत नहीं होते। जैसे एक उदाहरण किसी ने मुझे दिया था कि जब आप मंत्री थे तो आपने मुलायम सिंह को खुद फ़ोन करके कहा कि आपको हैंडपम्प कहाँ कहाँ लगवाने वो सूची दे दीजिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। नहीं देखिए, केवल उतनी ही नहीं, वो तो एक व्यवहारिक बात है जी। एक सरकार की शुरू की गई योजनाओं को दूसरी सरकार आती रही तो उसको पीछे कर देती थी या अपनी एक ला देती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना स्वर्ण चतुर्भुज की शुरू किया, और ये कष्टप्रद स्थिति है कि मनमोहन सिंह जी की यूपीए फर्स्ट की सरकार जब आई तो उसने उसको तरजीह नहीं दिया। बाद में उनको भी लगा कि नहीं ये बहुत आवश्यक है तो उनको शुरू किया, लेकिन वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कांग्रेस के समय की भी योजनाओं को पीछे नहीं किया। ये कहे कि नहीं, राष्ट्र का पैसा लगा हुआ है तो इसको पूरा करो, उसको भी पूरा करा और अपनी नई योजना भी दी। राजनीति में चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, जो भी हो, आपका सम्मान सब करते हैं, तो आखिर में ऐसा क्या गुण है आपकी? जबकि लोग जब विपक्ष में होते हैं तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी मिलता है तो आपका सम्मान करता है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनका प्रेम स्नेह मुझे मिलता है। मैं मान करके चलता हूँ कि राजनीति में जो बात पहले आपने कहा है, वैचारिक भिन्नता होनी चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक लोगों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी गरिमा मेंटेन करनी चाहिए? अभी हमने देखा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और रेणुका जी ठहाके लगा के हंस रही थी, चाहे विधानसभा में यही स्थिति है कि किस तरीके से गरिमा या जो इस तरह राजनीति का गिरता जा रहा है, इसको कैसे संभाला जाए? देखिए रमेश जी, मैं समझता हूँ कि यह पहली बार हुआ है, प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो विपक्ष के लोगों में प्रधानमंत्री के बोलने पर शोर शराबा करने की आदत, या पहली बार हुआ है। और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा राहुल जी को कि उनके नेतृत्व में इसी प्रकार के स्टेप उपज रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को भी हूट करो, और बड़ी कितनी शालीनता के साथ राज्यसभा में सभापति जी से निवेदन करते हुए, सभापति जी आप कुछ मत कहिए, मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुन रहा हूँ जी। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शुक्ला जी। शुक्ला जी, बजट आया, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, विशेषकर मध्यम वर्ग को, और ये भी माना जा रहा था कि 2019 से पहले का बजट है, मध्यम वर्ग को और आमजन को काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं मध्यम वर्ग निराश हुआ। नहीं नहीं देखिए, ऐसा है, एक बात आम तौर पर मीडिया ने चलाया था कि ये हो सकता है, और वो ये था कि 2.5 लाख के स्लैब को उठा करके 3 लाख तक कर छूट दिया जाए। आधी बात चलती है, जीएसटी के पूर्व इस देश में लगभग 32% टैक्स लोग देने का काम करते थे, 32%। कुछ को छोड़ दिया जाए जो 28% के स्लैब में है, लगभग 50 वस्तुएं ऐसी हैं, और वह सारी 50 वस्तुएं जो हैं वह उन बड़े लोगों के लिए हैं जिनके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं है, जो कॉरपोरेट हैं और सब हैं। अब कार को हम 5% पर तो नहीं ला सकते हैं ना, वो भी उस कार की बात छोड़ दीजिए जिस कार की कीमत ही 50 लाख से ऊपर शुरू हो जाती है। शेष पर हमने टैक्स में इतना रिबेट दिया कि कहाँ 32% और कहाँ 18%, 18 से 12%, 12 से 5% की स्थिति मिला है। आखिर वो नहीं किया होता
तो उनको उसी पैसे में से उनको देना पड़ता जो जिस पैसे की छूट आज मिल रही है उनको। पिछली बार ही 2 लाख के ऊपर उठा करके 2.5 लाख किया था। अब ऐसा संभव नहीं होता है कि तुरंत तुरंत स्लैब बढ़ता रहे। और पिछली बार को भी देखा जाए अगर सरचार्ज इतना जुड़ जाए तो 3 लाख तो ऐसे भी हो गया है। लेकिन किसान भी उसी मध्यम वर्ग में आता है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने शुरू में किसान फसल बीमा योजना दिया, वह भी उसी मध्यम श्रेणी में आता है जिसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक परिवार के एक व्यक्ति को बचाने के लिए अगर 5 लाख रुपए तक खर्च होगा तो भी खर्च करके उसका जीवन बचाएंगे। एक मार्ग लोग देख रहे हैं, हमने उन लोगों के लिए अनेक मार्ग दिया है। मुझे नहीं लगता है कि मध्यम वर्ग को कहीं से हम अन्याय कर पाए। GST की अगर हम बात करें, GST लागू होने के बाद जिस तरीके से व्यापारियों में रोष हुआ, उनको दिक्कतें बढ़ीं, उसके बाद गुजरात चुनाव आया तो गुजरात चुनाव के पहले आपने GST में काफ़ी राहत दी, तो हम क्या माने कि लोकसभा चुनाव आने वाला है तो अभी और भी GST में कुछ रियायतें होंगी? देखिए, ये तो हम हमेशा कहते रहे हैं कि भाई अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम GST में और सुधार करेंगे। शुरुआती दौर में जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ महसूस हुई, बिना हिचके हमने व्यापारी के हित के लिए, जनता के हित के लिए उसके स्लैब में परिवर्तन किया, उसके और टैक्सों में परिवर्तित किया, और परिवर्तन के पश्चात मतलब 5% तक का टैक्स दिया और आज कर करके वो दे रहे हैं। अब धीरे धीरे शुरू में हम लोगों को भी कष्ट हुआ क्योंकि रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, अब सब अपने रास्ते पर आ गए हैं, सब ठीक हो गया है। आपको लगता है कि अभी भी GST में कुछ संशोधन की जरूरत है? हमारे पास तो मेमोरेंडम आते भी रहते हैं, माननीय अरुण जेटली जी के पास भी आते रहते हैं। GST काउंसिल में इसका डिस्कशन होता है, हमको ये पेपर अपने पास रखते नहीं है, आया मार्क करके तुरंत GST काउंसिल में भेज देते हैं। GST काउंसिल में बैठ करके हम लोगों को ये लगता है, जिसमें सभी प्रदेशों के या तो माननीय मुख्यमंत्री कोई रहता है या फिनेंस मिनिस्टर रहता है, एक सामूहिक राय बनती है और सामूहिक राय के आधार पर हम लोग निर्णय ले लेते हैं। ना हम अपनी चलाते हैं और ना लोगों को ये लगता है कि नहीं केंद्र सरकार अपनी चला रही है। WTO पे लगभग 10 साल पहले समझौता हुआ था कि वित्त को नियंत्रित किया जाए, लेकिन अभी भी वो परिणाम सामने नहीं आया। संपूर्ण विश्व ग्लोबलाइजेशन में दुनिया भर की बातें आई थी, मंदी की भी स्थिति आई थी, लेकिन भारत में जो बचत की व्यवस्था रही है उसने भारत की वित्तीय स्थिति को हमेशा संभाले रखा। और आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को चैलेंज अब नहीं किया जा सकता है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, अरुण जेटली जी की देन है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात की जाए तो हम क्या माने कौन कौन से ऐसे नियम कानून संशोधन किए गए जो आम जनमानस के लिए फायदेमंद हुए हों? अनेक प्रकार के वो होते हैं, इनकम टैक्स में अलग परिवर्तन होता है, कस्टम में अलग परिवर्तन होता है, तो कुल मिलाकर के स्थिति अब जैसे जो GST ही आई कि एक देश है तो एक टैक्स रहेगा, और इस GST को धीरे धीरे सभी लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया। पहले लोग वैट को कहते थे नहीं आने देंगे, वैट आया चला, फिर कहा GST नहीं आने देंगे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं GST ठीक है तो आज वो GST के साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन अभी भी दिक्कतें हो रही हैं, मुझे लगता है जागरूकता उस स्तर से नहीं हो पा रही जिस स्तर से होनी चाहिए GST के मामले में। हम भी इस बात को महसूस करते हैं, इसी नाते हमने कहीं कड़ाई नहीं किया है कि जिस प्रकार से बार बार परिवर्तन आ रहा है, अब ई टेंडरिंग तक चल रही है साफ बोई के लिए ताकि लोगों को ये लगे कि स्वच्छ सरकार है। डिजिटलाइजेशन जब चलेगा तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा तो सारा कुछ साफ हो जाएगा। और इसी में प्रधानमंत्री जी सबको लगाए हैं और लग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसका श्रेय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि बैंकों की स्थिति इतनी खराब थी,
कि जब हमारी सरकार आई, अगर हम ये बात बता देते तो स्थिति और ख़राब होती। हमने उसको काफ़ी संभाला है। देखिए, उन्होंने संभाला भी और कहीं न कहीं बैंक भी छुपाए रखे। शुरुआती दौर में एनपीए 2 लाख करोड़ का था, और जो बढ़कर के 10 लाख करोड़ तक की स्थिति में पहुंचा है। तो ये नहीं है कि हमारे समय में बढ़ा है। जब रिजर्व बैंक ने कड़ाई के साथ पूछताछ की तो धीरे धीरे बैंकों ने देना शुरू किया। बैंकों को इस तरह से दहशत में रखा गया था यूपीए 2 के समय में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के पुत्र चेक के माध्यम से पैसा वकालत के नाम पर ले लिया करते थे, और एक दो नहीं कई कई लाख रुपए ले लिया करते थे। अब वो श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये नहीं होने वाला है। केंद्र की सरकार अपनी पवित्रता दिखा चुकी है, गंगोत्री पवित्र है, नीचे सभी लोगों को गंगा पवित्र करनी है। आज नहीं कल कैशलेस हो जाएगा। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आप वरिष्ठ नेता हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नया या बड़ा काम किया है जिससे पुनः स्थिति वही आए जो पहले आई थी? बड़ा काम तो किया ही ना जी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही आते किसानों के सारे कर्जों को माफ़ कर दिया। वो जो कर्जदार थे, जो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बचाने का काम किया। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के बीच में घोषित किए थे सत्ता में आए तो कर्ज माफ़ करेंगे, और आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को वार्ता किया, और वार्ता करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरी तौर पर लागू किया। 36,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया, एक दो पैसे नहीं दिया। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को, जिसको पिछली सरकार ने खोखला करके रख दिया था, जहां सरकारी पैसे मिले चाहे ना मिले, लेकिन उन दबंगों के पैसे बालू से ज़रूर मिलने चाहिए जो अपना अलग टैक्स लगाए हुए थे, उस प्रदेश को भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। योगी सरकार को आप, जो कल्याण सिंह की सरकार थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या आप उतने ही नंबर दे रहे हैं? अभी तो देखिए ना, कल का मैं टीवी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश इतने परीक्षार्थी परीक्षा छोड़े। छोड़ दो भाई, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? अरे अब बहुत समय गया कि जब कॉपी रख करके नकल कर लिया करते थे। राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे और इसी नकल के अध्यादेश को लेकर के दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन उन्होंने लागू किया। लोग कहते थे कि हम कल्याण सिंह के समय के हाई स्कूल इंटर पास हैं, तो कल को अगर ये कहेंगे कि हमें योगी आदित्यनाथ के समय के हाई स्कूल इंटर पास है, तो अच्छी बात ना होगी? अगर हम किसानों की बात करें, किसानों की कर्ज माफ़ी हुई, लेकिन आज भी किसान कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं किसानों की, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इस बजट में भी किसान के लिए कितना किया? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आकर के धरी की धरी रह गई थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लेकर के स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब किसान को उनके लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। जो किसानों की बरसों से मांग थी, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। वह किसान ही है जो कभी बैंक का दरवाज़ा भी नहीं देखा था और जनधन खाता खुलवा करके बिना एक नया पैसा जमा किए बैंक से 5,000 रुपया दिलवा दिया, पैसा नहीं जमा है, 5,000 रुपया उसको मिल गया कि हाँ जाओ अपना व्यापार करो, छोटा मोटा कारोबार करो, और कर करके फिर पैसा चुका दो। इसमें यूपी में जो आलू किसान है, उसकी बड़ी बदहाल स्थिति है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ केंद्र का सहयोग मिल रहा है या यूपी सरकार के लिए कुछ और गाइडलाइन थी की जाए ताकि किसानों की स्थिति, विशेषकर आलू किसान इस समय काफ़ी स्थिति खराब है? देखिए, एक बात मैं बताऊँ, इसी बजट में ऑपरेशन ग्रीन के नाम से
हम लाए हैं। पीओटी को हम लोगों ने पूरी तौर पर अब की ठीक करने का काम किया। पीओटी का मतलब होगा पी से पोटैटो, ओ से ओनियन और टी से टोमेटो, पीओटी। अब किसान को किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करने देंगे। आप यूपी में पूर्वांचल से आते हैं और मंत्री बनने के बाद पूर्वांचल के लोगों को आपसे बहुत अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। पूर्वांचल में बेरोजगारी काफ़ी है, अगर चीनी मिल यानी गन्ना मिलों की बात को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो बलिया से लेकर बनारस तक ऐसा कोई रोजगार का साधन नहीं है जिससे वहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर सके। नहीं, अभी देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आते ही आते बड़ी गहन समीक्षा करके उन्होंने चीनी मिलों के पुनरुद्धार की बात कही और केंद्र सरकार उसमें पूरी तौर पर मदद भी कर रही है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, इसका भी या बहुत बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री जी लोगों को आहूत किए हैं और मुझे लगता है कि उस प्रकार की वो व्यवस्था देंगे कि उद्योगपति यहाँ आएंगे और उद्योग लगाएंगे तो लोगों को उसमें अच्छा रोजगार भी मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों पर भी ध्यान दे रही है लेकिन एक बड़ी समस्या है गांव की। गांव में युवा बेरोजगारी के चलते पलायन कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए? सबसे अच्छी योजना मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत हम बिना किसी जमानतदार के भी लोगों को 50,000 रुपये से लेकर के 5,00,000 रुपये तक का कर्ज दे रहे हैं। कई योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिनको सरकार लागू कर रही है लेकिन दिक्कतें बैंकों में होती हैं। बैंकों में पिछली सालों की बात की जाए, पिछली सरकार की बात की जाए तो करप्शन की काफ़ी शिकायतें मिलती रही हैं, तो क्या इस बार जो करप्शन, जो बैंक कर्मचारी लोन नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, इनके लिए कुछ खास कदम उठाए हैं सरकार ने? ये हम लोग जहाँ जाते हैं बैंक के लोगों को बुला करके भी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद जो है उन इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि नहीं भाई, किसी भी स्थिति में सरकार अगर उनको 2,12,000 करोड़ रुपए बैंकों के पुनरुद्धार के लिए दे सकती है तो क्यों दे रही है? इसी नाते दे रही है कि लोगों को उसके द्वारा लोन मिल सके और इससे लोग रोजगार अपना स्थापित कर सकें। पिछले दिनों की अगर बात की जाए राजस्थान में उपचुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी करारी हार हुई है। यूपी में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आप गोरखपुर से हैं, आपके यहाँ की भी एक सीट है और एक डिप्टी सीएम केशव मरोरा जी के यहाँ की सीट है, आप क्या लगते हैं क्या पार्टी की तैयारी है वहाँ के लिए? देखो, अब की बार उत्तर प्रदेश से 73 सीटों को हम 80 सीटों में बदलने वाले हैं तो उस 80 सीटों में ये दो सीट भी भले ही उपचुनाव हो रहा लेकिन आती हैं तो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 2019 के लिए कोई खास तैयारी? तैयारी तो हम रोज करते हैं, हम तो बूथों पर जाते हैं, बूथ प्रमुखों को की बैठक लेते हैं, वहाँ ठीक ठाक करते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं, वो योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव के बाद आने वाले चुनाव की तैयारी नहीं हो पर आने पर नहीं होती है बल्कि चुनाव के बाद ही आने वाला चुनाव दिखता है और उसी अनुसार हमारी तैयारी भी होती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है, आप किस रूप में लेते हैं? हम इसी रूप में लेते हैं कि जैसे उस समय कल्याण सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा रखा जाए, आज भी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर सुदृढ़ है और साफ सुथरा रहेगा। मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं, यानी हम योगी सरकार की अगर बात करें तो आप इस सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? हम इतना कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी से जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की थी वो अपेक्षाओं पर पूरी तौर पर खरे उतरे हैं। शुक्ला जी, 14 साल का एक राजनीतिक वनवास रहा जबकि आप उत्तर प्रदेश के एक संघर्षशील नेता रहे हैं, तो आखिर में ये बीच का समय आपने कैसा काटा? मुझे लगता है अवस्थी जी कि शायद मैं मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में उतने लोगों का स्नेह पात्र नहीं हो पाया होगा जितना संगठन का काम करते हुए पाया मैंने। मंत्री के रूप में कोई मंत्री के कार्यालय में आ जाता था, मैं दिन दिन भर बैठता था भाजपा कार्यालय पर, लोगों से मिलता था, उनकी समस्याओं को जानता था, उसको पूरा करने का प्रयत्न करता था,
पूर्व में मंत्री होने के नाते शासन से भी कराने का काम करता था और संगठन जहाँ भी कहीं लगाता था, मैं जाता था हर जगह, चाहे बैठक हो चाहे कुछ भी हो लेता, मुझे लगा ही नहीं मैं कभी कभी बाहर हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब राष्ट्रीय राजनीति में आप आ गए हैं, इसको आप किस तरह से महसूस करते हैं, किस रूप में लेते हैं आप? नहीं, राष्ट्रीय राजनीति कोई नहीं, राष्ट्रीय राजनीति तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। हम ही मान करके चलते हैं कि संगठन ने मुझे यहाँ लाने का काम किया है और मैं ईमानदारी के साथ संगठन के द्वारा लिए गए निर्णयों पर निश्चित रूप से खरा उतरूंगा। शुक्ला जी, जब आप मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत लोग पूर्वांचल से बल्कि पूरे प्रदेश से आपके पास नौकरी मांगने आते थे। ये माना जाता था कि शुक्ला जी के पास जाने से नौकरी मिल जाएगी, आप जो भी प्रयास कर सकते थे उसके लिए करते थे, लोगों की अपेक्षाएँ पूरी होती थी। अब आप केंद्र में आ गए तो क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? भैया, हमारे नेता ने तो स्वयं नौकरी का दरवाज़ा खोल दिया भाई, रोजगार का। कभी भी उन्होंने अपने किसी चुनावी भाषण में नौकरी शब्द नहीं कहा था। उन्होंने कहा था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और 1 करोड़ की कौन कहे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, तुम नौकरी दो। अब वो जो लोग अपना कोई फैक्ट्री स्थापित कर देंगे, कोई दुकान ही कर लेंगे, तो दुकान में भी 2 लोगों को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उनकी नौकरी वहाँ पक्की हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं स्तंभ की तरह से, और वो चल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, इस सरकार को पुनः 2024 में ले आने के लिए कार्य करेंगे। 2024 मतलब 2019 स्वीप कर दिया पहले आपने? हाँ, और क्या, पूरा विश्वास के साथ 2024 की बात मैं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात होती है तो एक राम मंदिर का मुद्दा जरूर आता है। आपके कई नेता ये कह चुके हैं कि राम मंदिर यानी कि 2019 से पहले बनना प्रारंभ हो जाएगा, आपका क्या कहना? हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी हमेशा इस बात को कही है कि वार्ता से या अदालत के फैसले से हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने, क्यों नहीं चाहेंगे भाई, लेकिन उसके वार्ता के लिए भी प्रयत्न करेंगे, अन्यथा कोर्ट के फैसले आ जाएंगे, उसके बाद राम मंदिर बनेगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समिट हो रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयास हुआ है, पूरे देश से उद्योगपति इकट्ठा हो रहे हैं, आपको क्या संभावना दिखती है? नहीं, मैंने पहले ही आपके प्रश्न के जवाब में कहा है, जब आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के रोजगार की बात कही है तो मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का समिट कर रहे हैं और उद्योग आएंगे, यहाँ लगेंगे, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। शुक्ला जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, योगी सरकार को ये 100 में 100 नंबर दे रहे हैं, और आपका ये भी कहना है कि प्रदेश में और देश में जो बजट आया है वो आम जनमानस के लिए लाभदायक है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए समय के साथ।